हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पांडे पेट्स एंड गार्डनिंग में। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले ये देखिए, ये पीछे मेरे कुछ गुलाब के प्लांट मैंने अभी मंगाए थे, उनका वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, तो उनमें भी ग्रोथ शुरू हो गई है, सब में लीव्स आनी शुरू हो गई हैं। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उससे आप वो वीडियो देख लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के टॉपिक पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एडेनियम को आने वाले समर के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। तो मैं आपको अपने कुछ एडेनियम दिखाऊं, तो ये देखिए इनकी हालत बिल्कुल, क्योंकि विंटर जो होता है वो इनका डोरमेंसी का टाइम होता है, तो सारी पत्तियाँ इनकी झड़ी हुई हैं और बिल्कुल ये प्लांट पूरी तरीके से ऐसे लग रहे हैं जैसे मर गए हों, लेकिन ये मरे नहीं है। समर आते ही अब ये प्लांट एक्टिव होना शुरू होंगे, लेकिन उसके लिए भी हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, और ये काम हमें फरवरी से लेकर मार्च के बीच में करना ही करना है। फरवरी से मार्च मैंने इसलिए कहा क्योंकि अब हम इनको जो समर के लिए हम प्रिपेयर करेंगे, तो उसके लिए हम इनको प्रून करेंगे। जैसे ये देखिए, ये मेरा प्लांट है, ये 2 साल पहले मैंने सीड से ग्रो किया था, तो ये पूरा लंबा ही लंबा जा रहा है, तो अब मुझे इसको प्रून करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इसे प्रून नहीं करता हूँ तो ये फिर लंबा ही जाता रहेगा। और एडेनियम क्या करता है, हर स्टैम्प पे फ्लावर देता है एंड पे, तो अगर इसमें एक ही स्टैम्प रहेगी तो थोड़े से ही फ्लावर आएंगे, जबकि अगर हम इसे प्रून कर देंगे तो प्लांट ऐसा बुशी टाइप का हो जाएगा, और जितनी ज़्यादा स्टैम्प होगी उतने ज़्यादा फ्लावरिंग भी आएगी। तो इसके लिए दोस्तों हमें करना क्या है कि फरवरी से और मार्च के बीच में मैंने इसलिए कहा है क्योंकि हमें इसकी प्रूनिंग तब करनी है जब पाला पड़ना ख़त्म हो जाए। तो कई जगहों पे पाला फरवरी से पड़ना ख़त्म हो जाता है, हमारे वहाँ थोड़ा ठंड ज़्यादा रहती है, और अब मार्च में जाके अब यहाँ पे पाला पड़ना ख़त्म हुआ है, और साथ ही साथ ये जो नई ग्रोथ है ये भी आनी शुरू हुई है। तो बस आप ये देख लें कि जब ये नई ग्रोथ आनी शुरू होगी उसी टाइम आपको इसको प्रून करना है। यहाँ पे देखिए बड भी आ रही है, लेकिन ये बड हमें नहीं लेनी है, जब हम इसे प्रून कर देंगे तो ये और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की बड प्रोड्यूस करेगा और फ्लावरिंग भी अच्छी करेगा, तो ये हमें नहीं देखना है कि इस समय इसमें फ्लावरिंग हो रही है। हाँ देखिए, जैसे इसमें है, इसमें ये फ्लावरिंग तो हो रही है, पर इसमें साथ में सीड पॉट भी बन रहा है, तो इसकी मैं इस सीड पॉट वाली स्टेम को नहीं काटूंगा, क्योंकि जो ये सीड है फिर इससे हमें नए प्लांट बेबी प्लांट मिलेंगे, तो इस स्टेम को मैं नहीं काटूंगा, बाकी स्टेम को मैं प्रून करूंगा। तो प्रून करने के लिए आपको कोई शार्प ब्लेड लेनी है, और नई ब्लेड लेनी है। मैंने ये देखिए, ये बिल्कुल जिलेट की नई ब्लेड अभी ली है, क्योंकि कटर से क्या होता है इसकी ब्रांच सॉफ्ट होती हैं, तो जब हम इसे काटते हैं तो वो दब जाती हैं, और ब्लेड से शार्प कट अगर हम देंगे तो ब्रांच डैमेज नहीं होती है। तो एक शार्प ब्लेड से हमें इसको काटना है, और साथ में उसके ऊपर हमें फंगीसाइड ऐड कर देना है। तो ये मैंने एक फंगीसाइड लिया है, और इसको हमें जहाँ जहाँ पे हम कट करेंगे, जहाँ जहाँ से ब्रांच को, वहाँ वहाँ पे हमें वो फंगीसाइड ऐड कर देना है। तो उस प्रूनिंग से क्या होगा कि नई नई ब्रांचेस निकलेंगी, जैसे ये देसी वाला है तो इसको हम यहाँ से काट देंगे तो इसके ऊपर से फिर नई ब्रांचेस आएंगी, और नीचे से ट्रंक तो मजबूत हो गई और ऊपर से हेल्दी ब्रांचेस शुरू हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं इसे काट के। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपको अपना पूरा प्लांट प्रून कर देना है। अगर आपका ग्राफ्टेड प्लांट है तो ये देख लीजिए, ये ग्राफ्ट है, ग्राफ्ट के पोर्शन के ऊपर से ही हमने काटा है, नीचे से हमने नहीं काटा है। ये देखिए, इसमें भी ग्राफ्ट पोर्शन ये है, और यहाँ ऊपर से जो ब्रांचेज हैं उनको हमने काटा है, सीड पॉड हमने रखे हैं। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब आपके सिटी में, आप जिस भी शहर में आप रहते हैं, जब पाला पड़ना बंद हो जाए और नई ग्रोथ आनी शुरू हो जाए तभी आप ये करें। अगर आप पहले काट देते हैं, जैसे वीडियो में कई बार बताते हैं कि फरवरी 15 में आप काट दीजिए, लेकिन वो अपने स्टेट के हिसाब से बताते हैं, कहीं जगह
उस टाइम पे ठंडा ही रहता है और पाला पड़ता है तो उस टाइम पे आपका प्लांट डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और अभी इसमें हम वाटरिंग भी नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कोई भी लीव नहीं है, तो जो वो वाटर है वो इसके ट्रंक को गला देगा। कुछ टाइम बाद जब इसमें नई लीव्स आनी शुरू हो जाएंगी उसके बाद हम इसको वाटरिंग करेंगे, और साथ ही साथ जब इसमें नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी उसके बाद हम इसे रिपोर्ट भी करेंगे। रिपोर्ट करने के लिए कैसा पॉटिंग मिक्स चाहिए और किस किस तरीके की रिक्वायरमेंट इस प्लांट को होती है केयर के लिए, वो सब जानने के लिए हमने एक वीडियो पहले भी बनाया है, वो आई बटन पर आपको मिल जाएगा, तो उस वीडियो को भी आप देख लें। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इन प्लांटों का अपडेट हम आपको देते रहें और गार्डनिंग से रिलेटेड और भी जानकारी हम आपको देते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हैप्पी गार्डनिंग, बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।